हेलो एंड वेलकम टू एस्थर्स क्लासेस। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है ब्रेन एब्सेस। अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी जिसमें कि ब्रेन एब्सेस को क्लियरली दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेन में कुछ लीजन्स हैं जिसमें कि पस भरा हुआ है, और इसको हम ब्रेन एब्सेस बोलते हैं। इन दोनों पिक्चर्स से क्लियरली एविडेंट है कि ब्रेन के कुछ जगहों पर पस का कलेक्शन हो गया है, जिसको कि ब्रेन एब्सेस बोला जाता है। सो ब्रेन एब्सेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ पस इन ब्रेन। नाउ लेट्स सी डेफिनेशन। ब्रेन एब्सेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ पस इन ब्रेन इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन और ट्रॉमा। किसी ट्रॉमा की वजह से या इन्फेक्शन के बढ़ जाने की वजह से ब्रेन के टिश्यूज़ में पस का कलेक्शन हो जाता है, उसको हम ब्रेन एब्सेस बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सिम्टम्स। हेडेक, फीवर, सीजर्स, नॉजिया और वॉमिटिंग, मेंटल स्टेटस में चेंजेस आ सकता है, जैसे कि कंफ्यूजन होना, इरिटेबिलिटी होना, लेथार्जी मतलब बहुत ज़्यादा थकावट होना, स्लो थॉट प्रोसेस, सोचने में और रिएक्ट करने में बहुत स्लो रिस्पॉन्स आएगा क्योंकि ब्रेन में डैमेज हुआ है, और पेशेंट डीप कोमा या कोमा में भी जा सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूरोलॉजिकल साइंस। मसल वीकनेस दिखेगी, हेमीपैरेसिस या हेमीप्लेजिया होगा, बॉडी का एक साइड पैरालाइज हो जाएगा। अगर ब्रेन के राइट साइड में इन्फेक्शन है और एब्सेस हुआ है और राइट साइड का फंक्शन डिटोरिएट हो रहा है, तो बॉडी का लेफ्ट साइड पैरालाइज होगा। और अगर लेफ्ट साइड में इन्फेक्शन है और लेफ्ट साइड के ब्रेन के फंक्शन डिटोरिएट हो रहे हैं, तो राइट साइड पैरालाइज होगा। ऐसे ऑपोजिट साइड चलता है। राइट साइड में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट साइड पैरालाइज होगा बॉडी का, और अगर लेफ्ट साइड के ब्रेन में प्रॉब्लम है तो बॉडी का राइट साइड पैरालाइज होगा। फिर इसके साथ साथ स्लर्ड स्पीच हकला हकला के बोलेगा या अटक अटक के बोलेगा, क्लियरली शब्दों को बोल नहीं पाएगा, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होगी, एबनॉर्मल मूवमेंट्स होंगे एक्सट्रीमिटीज़ के, प्रॉपरली चल नहीं पाएगा, और इसके साथ साथ स्टिफ नेक हो नेक में स्टिफनेस फील होगी और ब्लर्ड विजन या डबल विजन दिख सकता है। तो ये थे सिम्टम्स ब्रेन एब्सेस के। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेस। फर्स्ट है ट्रॉमा, चोट लगने की वजह से, और चोट कैसे लग सकती है, या तो स्कल फ्रैक्चर हो सकता है, या सर्जरी के दौरान कोई नर्व डैमेज हुआ है, या सर्जरी के दौरान कोई टिश्यू में डैमेज हुआ है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया और वो हील नहीं हो पाया, तो एज अ रिज़ल्ट ब्रेन एब्सेस हो सकता है। ईएनटी इन्फेक्शन जैसे कि ओटाइटिस मीडिया, मैस्टोडाइटिस और साइनसाइटिस। अगर ओटाइटिस मीडिया इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर, मैस्टोडाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ मैस्टाइट प्रोसेस, साइनसाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसिस। ये सारे इन्फ्लेमेशन अगर ब्रेन किसी रीजन में स्प्रेड हो रहे हैं तो उसके वजह से भी ब्रेन एब्सेस हो सकता है। फिर डेंटल इन्फेक्शन, अगर दांतों का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो ब्रेन तक ट्रैवल कर गया तो उसके वजह से भी हो सकता है। जो मोस्टली इन्फेक्शन्स होते हैं वो बैक्टीरियल होते हैं, पर जो पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं उनमें फंगल और पैरासिटिक इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट मतलब जो लोग पहले से ही कोई बहुत ही सिवियर डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि एचआईवी के पेशेंट्स, एड्स के पेशेंट्स, जो लोग कीमोथेरेप्यूटिक सेशंस में जा रहे हैं, मतलब जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है, जिनको ऑटो इम्यून डिसीजेस है, ऐसे पेशेंट्स को हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स बोलते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो उनमें फंगल और पैरासिटिक इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है। फंगल में जो मोस्ट कॉमन फंगस है वो है कैंडिडा, और जो सबसे कॉमन बैक्टीरिया जिनके वजह से इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे कॉमन है, सिर्फ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में ही फंगल और पैरासिटिक इन्फेक्शन देखने को मिलता है। जो सबसे कॉमन बैक्टीरिया हैं जिनके वजह से इन्फेक्शन होता है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और एनरोबिक बैक्टीरिया।
नेक्स्ट हम देखेंगे रूट्स ऑफ स्प्रेड, कैसे ये ब्रेन तक पहुंचता है, ये जो इन्फेक्शियस एजेंट है, बैक्टीरिया है या कोई भी पैथोजन है, वो ब्रेन तक कैसे पहुंचता है, डायरेक्ट स्प्रेड से पहुंच सकता है और इनडायरेक्ट स्प्रेड, जैसे कि हेमाटोजेनस स्प्रेड, इनडायरेक्टली स्प्रेड होता है, इनडायरेक्ट स्प्रेड से पहुंच सकता है। डायरेक्ट स्प्रेड की कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि ENT इन्फेक्शंस और डेंटल इन्फेक्शन। अगर ओटाइटिस मीडिया है तो ओटाइटिस मीडिया और मास्टाइटिस सीवियर इन्फेक्शन हो गया या क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो वो टेम्पोरल लोब और सेरेबेलम में स्प्रेड हो सकता है, और अगर साइनसाइटिस है तो वो ब्रेन के फ्रंटल लोब में फैल सकता है। डेंटल इन्फेक्शन है वो भी ब्रेन के फ्रंटल लोब में फैल सकता है और वहाँ पर इन्फेक्शन होके पस फॉर्मेशन करेगा। इनडायरेक्ट स्प्रेड में बॉडी के और जो दूसरे जो डायरेक्ट स्प्रेड है वो नियर बाय ऑर्गन्स के ब्रेन तक स्प्रेड होने की वजह से हो रहा था, और जो इनडायरेक्ट स्प्रेड या हेमाटोजेनस स्प्रेड है वो बॉडी के किसी और ऑर्गन में कोई सीवियर इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू ब्रेन, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके अगर ब्रेन तक पहुँच गया तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्प्रेड। तो उसमें कुछ सीवियर इन्फेक्शंस आते हैं जैसे कि लंग एब्सेस, एम्फाइमा, ब्रोंकियेक्टेसिस, स्किन इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फेक्शन, एंडोकार्डाइटिस और कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेस। अगर ये सारे प्रॉब्लम्स हैं और वो बहुत सीवियर हो गया या बहुत लंबे समय से है तो वो ब्लड के थ्रू ब्रेन तक पहुंच सकता है और वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो ये थे दो रूट्स ऑफ स्प्रेड जिससे कि पैथोजन ब्रेन तक पहुँचता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी और पैथोजेनेसिस की, ब्रेन में पैथोजन की एंट्री के बाद ऐसा क्या होता है कि ब्रेन एब्सेस हो जाता है। जब पैथोजन की एंट्री होती है ब्रेन के टिश्यूज़ में तो इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। मास सेल्स आइडेंटिफाई करती हैं इनको जो पैथोजन एंटर किए हैं ब्रेन में और उसके रिस्पॉन्स में साइटोकाइंस रिलीज करती हैं। साइटोकाइंस वो केमिकल्स या एंजाइम्स होते हैं जो और वाइट ब्लड सेल्स को वहाँ पर इनवाइट करते हैं ताकि वो भी उस साइट पर जल्द से जल्द पहुँच के उन बैक्टीरिया को मार या उन पैथोजेंस को मारने की कोशिश करें। तो साइटोकाइंस रिलीज़ होता है और साइटोकाइंस के रिलीज़ होने की वजह से और वाइट ब्लड सेल्स उस साइट ऑफ इन्फेक्शन में पहुँच जाते हैं। उसके बाद शुरू होता है इंफ्लेमेटरी प्रोसेस जिसका मेन फेज है फैगोसाइटोसिस, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स जैसे कि न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस जो पैथोजन एंट्री किए हैं ब्रेन टिश्यूज़ में उनको, उनके साथ फाइट करते हैं और उन्हें एनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं। उस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो जब न्यूट्रोफिल्स उन पैथोजेंस को खाते हैं तो उन पैथोजेंस के मटीरियल्स और उनके टॉक्सिन्स, और जो न्यूट्रोफिल्स एनगल्फ करते हैं बैक्टीरिया को तो वो एनगल्फ कर लेते हैं लेकिन खुद मर जाते हैं। तो वो ढेर सारे कलेक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स, ये सारी चीज़ें इकट्ठा वहाँ पर कलेक्ट हो जाती है जिसको हम पस बोलते हैं। तो उस एरिया में ये पस का कलेक्शन हो जाता है जिसको कि ब्रेन एब्सेस बोलते हैं। तो पैथोजन की एंट्री हुई, इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हुआ, साइटोकाइंस रिलीज हुआ और WBCs आए वहाँ पर और फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से वहाँ पर पस का कलेक्शन हो गया और उसको हम बोलते हैं ब्रेन एब्सेस। ब्रेन के एक स्पेसिफिक रीजन में या टिश्यू में पस का कलेक्शन होना उसको हम बोलते हैं ब्रेन एब्सेस। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रेन एब्सेस कैसे डेंजरस हो सकता है, फैटल हो सकता है, मतलब कैसे उसकी वजह से किसी की डेथ हो सकती है या वो कितना डेंजरस होता है। ब्रेन एब्सेस हुआ और अगर टाइम पे ट्रीट नहीं हुआ तो ये बहुत ही फैटल हो सकता है, मतलब इससे एक इंडिविजुअल की डेथ हो सकती है। ब्रेन एब्सेस जब वहाँ पर पस का कलेक्शन होता है ब्रेन के एक स्पेसिफिक रीजन में तो उसके चारों तरफ एक फाइब्रिनोजन वॉल का डेवलपमेंट होने लगता है, एक बाउंड्री पस के चारों तरफ जमा बनने लगती है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में जो कि फाइब्रिनोजन की होती है, उसका डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जांपल ब्रेन है और उसके इस रीजन में पस है तो जो चारों तरफ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं रेड, स्लाइट रेड कलर का, दैट इज़ वॉल ऑफ फाइब्रिनोजन जो कि उस लीजन को या उस जगह को, दाग को एक रिंग लाइक राउंड स्ट्रक्चर देता है।
और ये जो वॉल है ये बाकी के टिश्यूज तक उस पस के थ्रू इन्फेक्शन फैलने से रोकते हैं। ये एक बॉडी का एक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म है कि जिस एरिया में पस जमा हुआ है उसके चारों तरफ एक थिक फाइब्रिनोजन की वॉल बना देना ताकि पस उधर से कहीं और ना फैले, क्योंकि पस में डेड बैक्टीरियाज, डेड वाइट ब्लड सेल्स के साथ साथ कुछ बैक्टीरियल टॉक्सिन्स और कुछ लाइव बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि अगर पस के थ्रू किसी और जगह पे फैल गए तो वहाँ पर भी वो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर वहाँ पर फाइब्रिनोजन वॉल का स्ट्रक्चर खड़ा करती है। जब पस का अमाउंट बढ़ता है या पस जब उस जगह पर पूरा भर चुका है तो वो उस वॉल के अगेंस्ट एक प्रेशर देती है, और जब प्रेशर बढ़ता है तो वो वॉल एक्सपैंड होता है, स्ट्रेच होता है। जब प्रेशर बढ़ेगा अंदर पस का तो वॉल एक्सपैंड होगी, फैलने लगेगी। लेकिन स्कल जो है वो एक थिक बोनी स्ट्रक्चर है और वो एक्सपैंड नहीं होती, लेकिन वहाँ पर फाइब्रिनोजन वॉल एक्सपैंड होने की वजह से उस एरिया में जितनी भी लोकल नर्व्स और ब्लड वेसल्स होंगी वो दबने लगेंगी, ब्लॉक होने लगेंगी, जिसकी वजह से उस स्पेसिफिक एरिया ऑफ ब्रेन में ऑक्सीजन का और ब्लड का सप्लाई नहीं होगा और वहाँ के टिश्यूज़ और सेल्स की ऑक्सीजन की कमी के वजह से डेथ हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं ब्रेन एंड बॉडी के वो डिटेरिएट होने लगेंगे। ब्रेन सिग्नल नहीं कर पाएगा, वहाँ के सेल्स की डेथ हो जाएगी, स्पीच प्रॉब्लम्स हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है, हो सकता है अगर हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर दें तो जिसकी वजह से इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है। इसलिए इसका अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं अर्ली सिम्टम्स को देखने के लिए, और साथ में सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन का एक सैम्पल यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें कि ये लीजन्स हैं, राउंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर में लीजन्स दिख रहे हैं। सीटी स्कैन बहुत ही क्लियर डिफाइंड इमेज नहीं देता, बट फॉर इंस्टेंट सीटी स्कैन करके कंफर्म किया जा सकता है। फॉर बेटर कन्फर्मेशन एमआरआई करना होता है, इसमें बहुत क्लियर रिजल्ट्स दिखते हैं। जिस एमआरआई के कुछ सैम्पल्स यहाँ पर मैंने दिखाए हैं, इसमें एक बहुत ही क्लियर रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि क्लियरली डिफाइन करता है कि उस जगह पर ब्रेन एब्सेस हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आईवी एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, जैसे कि पेनिसिलिन जी के साथ क्लोरामफेनिकोल और मेट्रानिडाजोल भी दिया जाता है। अगर मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन है तो नेफेसिलिन या ऑक्सीसिलिन भी दे सकते हैं, और अगर मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से की वजह से इन्फेक्शन हुआ है तो वैनकोमाइसिन भी देते हैं। जब भी हम एंटीबायोटिक्स देते हैं तो उसके साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और स्टीरॉइड्स देते हैं बेटर इफेक्ट के लिए, और ताकि ज़्यादा ब्रेन टिश्यूज़ को डैमेज ना पहुँचे तो इसके लिए एंटीबायोटिक्स से पहले स्टीरॉइड्स देते हैं। फिर सर्जिकल मैनेजमेंट में नीडल एस्पिरेशन, नीडल के थ्रू पस को एस्पिरेट करके निकालना, और सर्जिकल एक्सीजन करते हैं जिसमें सर्जिकली उस डेड टिश्यूज़ को और उस पस फिल्ड एरिया को रिमूव किया जाता है। सर्जिकल एक्सीजन बहुत कम करते हैं और बहुत ही लेस प्रेफरेबल चॉइस होता है, नीडल एस्पिरेशन ही प्रेफरेबल चॉइस होता है। सर्जिकल एक्सीजन के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कुछ परमानेंट ब्रेन टिश्यू के डैमेज होने की वजह से बॉडी में परमानेंट डिसेबिलिटी आ सकती है, इसलिए नीडल एस्पिरेशन ही प्रेफरेबल चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होता है व्हेन इट कम्स टू सर्जरी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक ब्रेन एब्सेस। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।